पोको F5 डिवाइस के लिए पिक्सल स्टार 1.3 का जो लेटेस्ट अपडेट है अवेलेबल हो गया है। एंड्रॉयड 14 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है एंड यहाँ पर लेटेस्ट फरवरी 2024 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाएगा 5.10 कर्नेल के साथ। प्लस ये जो बिल्ड है दोस्तों इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है, यहाँ पर हम इस रॉम को काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। प्लस यहाँ पर नया फीचर्स, बेंचमार्किंग, गेमिंग, इंस्टॉलेशन सभी के बारे में बात करने वाले इस वीडियो के दौरान। तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्मूथनेस है काफी सही है, यहाँ पर ऐप ओपनिंग एनिमेशन, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन, इविंग गेमिंग के साथ भी आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने BGMI, COD मोबाइल एंड न्यू स्टेट मोबाइल को ट्राई किया है एंड जो है हमने अलग अलग गेमिंग रिव्यू भी शेयर किया है। पोको F5 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर चेकआउट करके देखना। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते क्विक सेटिंग्स पैनल के बारे में। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से क्विक सेटिंग्स पैनल देखने को मिलेगा, डार्क मोड के साथ जो है अवेलेबल है। यहाँ पर कनेक्टिविटी की अगर बात करें, वाईफाई काम कर रहा है, ब्लूटूथ काम कर रहा है, ब्लूटूथ के साथ जो है कनेक्टेड डिवाइस का जो है बैटरी परसेंटेज देख सकते हो, हॉटस्पॉट एंड वाईफाई को आप एक साथ यूज कर पाओगे। एंड सबसे बढ़िया बात है यहाँ पर वॉल्टी वाईफाई 4G, 4G प्लस प्लस 5G के साथ भी कोई भी इशू नहीं है, VoNR भी काम कर जाएगा। ऑलोजन डिस्प्ले का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है कुछ इस तरह से, ऑलोजन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, डबल टैप टू स्लिप का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, मैक्सिमम ब्राइटनेस, लो ब्राइटनेस के साथ कोई इशू नहीं है, एडवांस रिबूट का ऑप्शन है, रिकवरी बूट लोडर एंड सिस्टम UI को भी यहाँ से रिबूट कर सकते हो। एंड इस अपडेट के साथ जो है बाई डिफॉल्ट प्ले स्टोर अवेलेबल है, अलग से आपको जी एप्स को फ्लैश नहीं करना होगा। प्लस यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का जो फीचर से ऐड किया गया है, इस ऑप्शन को एनेबल करके आप जो है कॉल को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा एप्लीकेशन की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से कैमरा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर अल्ट्रावाइड लेंस काम कर जाएगा, 2x का ऑप्शन है, यहाँ पर लाइका ऑथेंटिक HDR मोड, AI कैमरा, डायनेमिक शॉट्स, मैक्रो मोड का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर मोशन ट्रैकिंग फोकस का जो फीचर से ऐड किया गया है, यहाँ से आप जो है फुल HD 30fps, फुल HD 60fps, इवन यहाँ पर 4K 24fps, 4K 30fps का ऑप्शन है, यहाँ पर मोशन ट्रैकिंग फोकस का ऑप्शन है, AI कैमरा, टेलीप्रॉम्प्टर, ऑडियो जूम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्रोमोट काम कर जाएगा, व्हाइट बैलेंस, फोकस, शटर, ISO सभी को एडजस्ट कर सकते हो, पोर्ट्रेट मोड के साथ भी ब्लर को एडजस्ट करने का ऑप्शन है। अल्ट्रा वाइड लेंस से स्टार्ट करके 10x तक जो है नाइट मोड का जो फीचर से ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर 64 मेगापिक्सल, पैरानोमा ब्लॉक, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, लॉन्ग एक्सपोजर, सुपर मून मोड का जो फीचर से ऐड किया गया है। तो कैमरा एप्लीकेशन के साथ जो है ढेर सारी फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है, इसे भी आप जो है ट्राई करके देख सकते हो। कैमरा टू एपीआई के साथ जो है Level 3 का सपोर्ट है, गूगल कैमरा काम कर जाएगा, GCam यहाँ पर काम कर जाएगा इस रॉम के साथ। यहाँ पर हमने Gemini AI को ट्राई किया था, कोई भी इशू को हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। बाकी जो स्मूथनेस है काफी सही है, यहाँ पर जो ऐप ड्रॉयर के साथ सेटिंग्स होने के साथ क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ जो है कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, जो स्क्रॉलिंग एनिमेशन है काफी स्मूथ हो गया है। अगर बात करें यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस के बारे में, हमने कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन को यहाँ पर रन किया था इस रॉम के साथ, यहाँ पर 3D Mark के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के साथ 7688 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है पोको A5 डिवाइस के ऊपर। तो कुछ इस तरह से स्कोर देखने को मिलेगा, यहाँ पर Geekbench 5.5.1 के साथ सिंगल कोर के साथ जो है 1178 एंड मल्टी कोर के साथ 3767 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है, एंड Geekbench 6.2.2 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 1696 एंड मल्टी कोर के साथ 3845 का जो स्कोर है देखने को मिलेगा। एंड बाई डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स, विदाउट रूट सेपनेट पास हो जाएगा, गूगल पे, फोन पे इस तरह की जो एप्लीकेशन है बाई डिफॉल्ट काम करेगा इस रॉम के साथ। तो यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है डेफिनेटली आपको बेटर एंड इम्प्रूव बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बैटरी यूजर्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, बैटरी हेल्थ का ऑप्शन है, बैटरी टेम्परेचर का ऑप्शन है, इवन बैटरी इन्फॉर्मेशन का जो फीचर से ऐड किया गया है, यहाँ पर बैटरी टेम्परेचर, बैटरी वोल्टेज, मैक्सिमम कैपेसिटी, मिनिमम कैपेसिटी एंड यहाँ पर सर्कल काउंट का जो फीचर्स यहाँ पर ऐड किया गया है, काफी सही है। प्लस बैटरी इंडिकेटर का ऑप्शन है, यहाँ पर बैटरी के ऊपर जो है अलग अलग स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो, बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, चार्जिंग कंट्रोल का ऑप्शन है, यहाँ पर ऑटोमेटिक शेड्यूल, कस्टम शेड्यूल,
लिमिट चार्जिंग का ऑप्शन है, प्लस थर्मल प्रोफाइल का ऑप्शन है। बैटरी बैकअप की अगर बात करें, सच में बैटरी बैकअप जो है आपको बढ़िया देखने को मिलेगा, 7 आवर्स से भी ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक हेवी यूजर हो तो यहाँ पर पिक्सल स्टार रॉम के साथ जो है लगभग 7 आवर्स से भी ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा पोको F5 डिवाइस के ऊपर। डेफिनेटली अगर आप गेमिंग करोगे तो आपको जो है लगभग 3 आवर एंड 3.5 आवर से 4 आवर के आसपास जो है स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा। डेफिनेटली यहाँ पर जो है यूजर टू यूजर बैटरी बैकअप डिपेंड करेगा। एनीवे अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है BGMI के बारे में। तो यहाँ पर BGMI के साथ भी आपको बढ़िया जो है पर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा फॉर श्योर। एंड देख ही सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से परफॉर्मेंस है। बाकी यहाँ पर स्मूथनेस जो है काफी सही देखने को मिलेगा, ज्यादा लैग भी देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर लैग फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। कोई भी हमने हीटिंग इश्यू को भी फिलहाल यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। डेफिनेटली जो फुल रिव्यू है उस वीडियो को आप जरूर से चेकआउट करो, आपको और भी अच्छे से जो है मालूम चल जाएगा। बाकी स्मूथनेस सही है, ज्यादा आपको बैटरी रेंज भी देखने को नहीं मिलेगा। डेफिनेटली अगर आप क्लासिक मैच खेलोगे तो आपको ज्यादा जो है यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल सकता है, प्लस थोड़ा बहुत जो है हिटिंग भी हो सकता है अगर आपके आसपास ज्यादा एनिमी है तो। बाकी उसके अलावा परफॉर्मेंस काफी सही देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। एनीवे अभी फिलहाल बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन के बारे में। पोको F5 डिवाइस के ऊपर पिक्सल स्टार अपडेट को किस तरह से इंस्टॉल करना होगा। कोई भी रॉम को इंस्टॉल करने से पहले, कोई भी अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपके डिवाइस के ऊपर, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है आपके डिवाइस के ऊपर, उसका बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है। बाद में अगर आप चाहो तो रीस्टोर भी कर सकते हो। यहाँ पर सिंपली TWRP रिकवरी और ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ जो है इस रॉम को बूट कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर रिकवरी को बूट करने के लिए पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करना होगा, उसके बाद आपका जो डिवाइस है कस्टम रिकवरी के साथ जो है बूट हो जाएगा। जल्द से आप कस्टम रिकवरी को यहाँ पर बूट करते हैं। यहाँ पर हम TWRP रिकवरी की यूज करने वाले हैं। अगर आप चाहो तो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ भी इस रॉम को फ्लैश कर सकते हो। कस्टम रॉम बूट होने के बाद सबसे पहले यहाँ पर कस्टम रिकवरी बूट होने के बाद सबसे पहले यहाँ पर बैकअप में जाना होगा। बैकअप में जाके करेंट रॉम का बैकअप क्रिएट कर सकते हो, बाद में अगर आप चाहो तो रीस्टोर भी कर पाओगे। बैकअप क्रिएट करने के बाद जो है सिंपली बैक आके यहाँ पर वाइप का जो ऑप्शन इसे सिलेक्ट करना होगा। वाइप को सिलेक्ट करके यहाँ पर एडवांस वाइप का जो ऑप्शन इसे सिलेक्ट करना होगा। एडवांस वाइप को सिलेक्ट करके यहाँ पर डेल्विक कैशे डेटा, ये तीन ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। ये तीन ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। तो सिंपली यहाँ पर वाइप में जाके तीन ऑप्शन को सिलेक्ट करके स्वाइप टू वाइप कर देना होगा। वाइप होने में कुछ ही सेकंड टाइम लगेगा। वाइप होने के बाद सिंपली बैक आना होगा, फिर से बैक आना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर इंस्टॉल में जाना होगा। जिस भी फोल्डर में आपने पिक्सल स्टार रॉम को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके रॉम को सिंपली यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना होगा। एंड यहाँ पर इस रॉम के साथ जो बाय डिफॉल्ट GApps अवेलेबल है, इसलिए आपको अलग से GApps को फ्लैश नहीं करना होगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक रिफ्लैश TWRP रिकवरी आफ्टर फ्लैशिंग ए रॉम, इस ऑप्शन को हमने एनेबल किया है। इससे क्या होगा, जो रॉम फ्लैश होने के बाद जो है जो TWRP रिकवरी है रिप्लेस नहीं होगा। उसके बाद जो है सिंपली इंस्टॉल में जाके रॉम को सिलेक्ट करके पर स्वाइप करके फ्लैश कर देना होगा। विद इन 5 मिनट ये जो रॉम है पोको F5 डिवाइस के ऊपर जो है फ्लैश हो जाएगा। रॉम फ्लैश होने के बाद फिर से बैक आके यहाँ पर जो है रिबूट टू सिस्टम का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। यहाँ पर स्लॉट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, जिस भी स्लॉट में आपने इस रॉम को जो है इंस्टॉल किया है उसी स्लॉट में जो है बूट करना होगा। स्लॉट को चेंज मत करना। स्लॉट ए में अगर फ्लैश करोगे तो स्लॉट ए में बूट करना होगा, स्लॉट बी में करोगे तो स्लॉट बी में बूट करना होगा। तो रिबूट टू सिस्टम में टैप करना होगा। तो कुछ इस तरह से आप जो पोको F5 डिवाइस के ऊपर पिक्सल स्टार रॉम को इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी यहाँ पर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन ऐड किया है, हमने यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर को ऐड किया था। एंड फिंगरप्रिंट सेंसर जो है काफी फास्ट है, बहुत ही फास्ट डिवाइस जो है अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर
मैक्सिमम ब्राइटनेस एंड लो ब्राइटनेस के साथ कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर डार्क मोड का ऑप्शन है, आइकॉन पैक, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, थीम सेटिंग्स का ऑप्शन है, लाइव डिस्प्ले का ऑप्शन है, यहाँ पर डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन है, डबल टैप टू स्लीप का जो फीचर है यहाँ पर काम कर जाएगा, फुल स्क्रीन ऐप्स का ऑप्शन है, हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग रिफ्रेश रेट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पर LTE आइकन का जगह 4G आइकन को दिखा सकते हो, आइकन मैनेजर का ऑप्शन है, डेटा यूजर्स का ऑप्शन है, नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का ऑप्शन है, AM/PM को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, ब्राइटनेस स्लाइडर कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकन है ऐड किया गया है, तो इस तरह से सभी जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। यहाँ पर डॉल्बी एटमोस क्लियर स्पीकर का ऑप्शन है, पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।